हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक बैंगन, कम से कम ये 200 ग्राम का बैंगन होगा। अब हम बैंगन को जहाँ जहाँ से दबा हुआ है वहाँ से हम छील देंगे, छिलका हटा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डंठल जो होता है तो वहाँ से बैंगन को छील दिया है। अब हम डंठल को ऊपर से काट देंगे क्योंकि हम बैंगन में ये डंठल भी डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ दबा हुआ है बैंगन वहाँ से हम छिलका हटा देंगे और हम एक बार बैंगन को कट करके देख लेंगे कि अंदर से बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो ये देखिए बैंगन बहुत ही बढ़िया निकला है अंदर से। अब हम छोटे छोटे पीसेस में बैंगन को काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बैंगन काट लिया है और हम डंठल को दो हिस्से में काट लेंगे। तो ये देखिए बैंगन तैयार है। अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने यहाँ पर दो आलू कटे हुए डाल दिए हैं। आलू मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। तो सबसे पहले आलू हम पैन में डाल देंगे, फिर हम बैंगन डालेंगे। आज हम बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाले हैं बिना तेल की। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर भी डाल देंगे हम पैन में। एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और मैंने यहाँ पर दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 6-7 हरी मिर्च बारीक काट ली हैं, वो भी डाल देंगे। और यहाँ पर हमने दो चुटकी हींग डाल दी है। मैंने यहाँ पर एक चम्मच जीरा लिया है, जीरा भुना हुआ है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मैंने आधा चम्मच डाला है, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। सब्जी में हम 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डालकर हम सब्जी को ढककर फिर पकाएंगे। आप ग्रेवी वाली सब्जी चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल दें, मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम गैस पर हम सब्जी को पकने के लिए रख देंगे। तो अब हम सब्जी को बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी यहाँ पर पकने लगी है, यहाँ पर देखिए सब्जी। अब हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, क्योंकि अभी तक हमने मसाले को सब्जी के साथ मिक्स नहीं किया था। तो आलू भी अब थोड़ा सा पक गया है और अच्छे से पानी भी सब्जी में थोड़ा सा आ गया है। तो अब हम मसाले को सब्जी के साथ मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने अब सब्जी को मिक्स कर दिया है मसाले के साथ। अब हम दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, क्योंकि अभी सब्जी अच्छे से पकी नहीं है और हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए स्टीम बन के सब्जी में पानी काफ़ी सारा आ गया था। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जी लगभग पक गई है। अब हम सब्जी को चला देंगे और फिर बाद में हम चेक करेंगे कि सब्जी हमारी पकी है कि नहीं। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलू को तोड़ के देखेंगे। आलू अच्छे से पक गया है। अब हम बैंगन को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंगन भी अच्छे से पक गया है। 10 मिनट में सब्जी आलू और बैंगन की
बनकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब हम यहाँ पर धनिया डाल देंगे, हरा धनिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिना तेल की आलू और बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। आप चाहे तो बैंगन आलू की सब्जी तेल में भी बना सकते हैं। अब हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप पराठा पूरी रोटी के साथ बैंगन आलू की सब्जी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स सब्जी को देखकर क्या आप बता सकते हैं सब्जी बिना तेल की है? नहीं, आपको लग रहा होगा सब्जी में तेल डाला है। नहीं, मैंने यहाँ सब्जी में बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।